या नहीं। सो आप लोग सोच रहे मैं कहाँ जा रही हूँ, आज मैं जा रही हूँ इंडियन कॉफी हाउस पे जो कि है एकदम कॉलेज स्ट्रीट में ही। और जो स्पेशल चीज हम लोग ट्राई करने के लिए जा रहे हैं वो है इन्फ्यूजन, वो एक ड्रिंक है कॉफी जैसा है। सो वो ट्राई करेंगे, देखेंगे कैसा है कि नहीं है, एम्बियंस कैसा है। ये बहुत पुराना कैफे है, बहुत चीज जुड़ा है, बहुत हिस्टोरिक चीज भी इससे जुड़ा हुआ है। सो देखेंगे कैसा है। सो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं। सो हम लोग आ चुके हैं कॉफी हाउस के अंदर में। बहुत ज्यादा गर्मी है, हम लोग शूट भी करने के लिए बहुत पसीना आ रहा है। सो गाइस हमारी बहन बहुत मेहनत कर रही है, तो इसी बात पे एक लाइक तो बनती है। सो हम लोगों ने ऑर्डर किया है इन्फ्यूजन, वो जो इन्वेंट किया है कॉफी हाउस ने ही, तो वो हम लोग ड्रिंक ट्राई करेंगे। और ट्राई करेंगे मटन कटलेट और फिश फ्राई। तो हम लोगों ने ये तीन चीज ऑर्डर किया है। कॉफी ऑर्डर करते बट गर्मी इतनी ज्यादा है गाइस कि हम लोग डर रहे हैं कि पेट खराब ना हो जाए। तो कोशिश कर रहे हैं कि पूरा दिखा पाए आप लोगों को, ठीक है। चलिए जब खाना आ जाता है थोड़ी देर में आप लोगों को एम्बियंस दिखा देंगे। मेरा ऑर्डर आ चुका है। तो ये है वो फेमस इन्फ्यूजन जो इन्होंने ही इन्वेंट किया था। और ये है हम लोगों ने ऑर्डर किया था मटन कटलेट। सो ये है मटन कटलेट और ये है फिश फ्राई। इसके साथ कुछ दिया हुआ है, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट ये क्या है, और पानी यही है। हम लोग ट्राई करने वाले हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे एसी नहीं है, पंखा है। तो हम लोग, हमारी बहन तो है पगलैती करने में माहिर, तो मैं ट्राई करूंगी चम्मच के साथ। मुझे पागल मत समझना, बहुत ज्यादा गर्मी है, मुंह जल जाएगा, इसलिए मैं चम्मच से ही ट्राई करके तुम लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। चलो ओ सब्सक्राइब कर दो, पहले सब्सक्राइब और लाइक कर दो फिर पीते हैं। हाँ कर लिया, चलो अभी पीते हैं। चीनी ठीक से घुला नहीं है, घोल लेते हम लोग। बड़ा यूनिक सा टेस्ट है, इट्स टेस्ट लाइक ब्लैक कॉफी बट उसमें थोड़ा सा ग्रीन टी का भी फ्लेवर आ रहा है। तो यूनिक है टेस्ट, और जो कि है 21 रुपया में, इट्स प्रीटी गुड। खराब नहीं है, मैंने बहुत अच्छा है, बहुत खराब है कुछ नहीं, मन में भी अफसोस है। अगर आप ब्लैक कॉफी लोवर हो तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। मैं तुमको मेनू कार्ड देख के एक बार बता देती हूँ उसका क्या दाम है। सो हम लोगों ने लिया था इन्फ्यूजन जो है 21 बक्स, और हम लोगों ने लिया है मटन कटलेट जो कि है 79 बक्स। सो और हमने एक और चीज़ लिया है, वो है फिश फ्राई। इन लोगों का फेमस है इन्फ्यूजन और है मटन कटलेट जो हम दोनों ने जो हम दोनों ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इट्स प्रीटी चीप आप बोल सकते हो कंपेयर टू अदर रेस्टोरेंट्स, और क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। तो एक बार फिर मैं खा के आपको रिव्यू दे देती हूँ, ठीक है। तो ठीक है, इंजॉय करो। ट्राई कर लिया, तो इसके बाद हम लोग ट्राई करते हैं फिश फ्राई। सो गाइस
गाइस अभी हम लोग ट्राई करेंगे फिश फ्राई। तो फिश फ्राई के प्लेट में मैं आपको दिखा देती हूँ, फिश फ्राई के प्लेट में मिल रहा है हम लोगों को ये एक आलू, ये थोड़ा सा सलाद, ये सॉस, मस्टर्ड और फिश फ्राई। ठीक है, सो ये खाके देखते हैं। ये मुझे ज्यादातर लग रहा है आलू फ्राई होगा शायद, पता नहीं है, खाके बता दो। सादा सा आलू फ्राई है, ज्यादा खास कुछ है नहीं। तो मेन अट्रैक्शन पे आते हैं फिश फ्राई, जिसके लिए मैं वेट कर रही थी। सो इसको सॉस के साथ फ्राई कर लिया। बहुत फ्रेश है, हम लोग जैसा बारह की दुकान पे खाते हैं वैसा नहीं है, फ्रेश है, बाहर से क्रिस्प है, अच्छा लग रहा है। सो भाई मैं जितनी देर में खाना फिनिश कर रही हूँ उतनी देर में जल्दी जल्दी लाइक सब्सक्राइब कर दो, जल्दी जल्दी लाइक बटन पे दबा दो। हाँ मैं थोड़ा लालची ऐसे पागल करके देखने के लिए, भाई गाइस जल्दी जल्दी से लाइक दबा दो, इतनी देर में मैं खाना फिनिश कर लेती हूँ उसके बाद मिलती हूँ, चलो बाय। तो गाइस हम लोगों का खाना खत्म हो चुका है, तो अभी फूड रिव्यू की बारी है। जो इंक्लूजन था वो नॉर्मल सा था, 21 रुपया, नहीं इससे ज़्यादा तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके साथ था मटन कटलेट जो कि क्रिस्प था, अच्छा था, टेस्टी था, मतलब ओवरऑल इसे गुड डील। उसके साथ था हमारा फिश फ्राई जो सबसे मुझे बढ़िया लगा, अंदर का जो फिश का स्टफिंग था वो बहुत टेस्टी था और फ्रेश था। सो ओवरऑल इट्स अ गुड प्लेस टू हैंग आउट विद फ्रेंड्स और योर लव्ड वंस। सो आओ एक बार ट्राई करके देखो कैसा लगता है, और आके मुझे जरूर बताना। अगर आप घूमने वाले हो तो आप तो श्योर आए ही हो गए यहाँ पे, अगर आप बाहर के हो एक बार आओ आके ट्राई करके देखो कितना अच्छा है, एम्बियंस इसका बहुत ही अच्छा है। सो गाइस एक और बात बोलना मैंने भूल गया था, वो है यहाँ पे आप जितनी देर चाहो बैठ सकते हो, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा कोई आपको नहीं उठाएगा। और मेरे जैसे गरीब इंसान जो बाहर कैफे में अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए उन लोगों के लिए ये जगह बहुत अच्छा है। सो आओ और ट्राई करो, ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या कैसा लगा है तुम लोगों का, तुम लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है, तुमने क्या ट्राई किया है। ठीक है, और सबसे मेन बात मुझे इस कमेंट बॉक्स में लिखो कि मुझे कहाँ जाना है और क्या क्या करना है। तुम्हारा कोई सजेशन हो, अगर कोई दुकान हो, कोई रेस्टोरेंट हो तो मुझे बता सकते हो, मैं जहाँ जाऊँगी कवर करूँगी। ठीक है गाइस, चलो इसके साथ ही इतना देर तक देख ही लिया है तो लाइक सब्सक्राइब तो करते हैं यार। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक सब्सक्राइब बटन दबा देना है यार। चलो बाय।